नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुराने सारे एपिसोड्स में आपने अक्सर जो चीज़ें सुनी देखी वो थी किस तरह पढ़ाई करके खास शिक्षा के जरिए खास रोजगार हम प्राप्त कर सकें। आज का विषय थोड़ा सा भिन्न है। शिक्षा का उद्देश्य न केवल सिर्फ इतना सा है कि हम अपने आप को जॉब के लिए तैयार करें, बल्कि ये भी है कि हम अपनी जितनी भी लिमिट्स हैं उनका एक्सपेंशन कर सकें, अपने आप को ठीक से समझ सकें। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जॉब के लिए तैयार नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों को भी जॉब दे सकें, इस स्थिति में आप आ जाते हैं। आज का हमारा विषय है उद्यमिता विकास, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। और आज इस विषय पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी के शर्मा और श्रीमती मोनिका शर्मा। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डी के शर्मा, आप पूर्व में ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं EMI इंस्टीट्यूट के, एक बड़ा अनुभव आपका रहा है। ये जो माइंडसेट शिफ्ट करने की बात है, पेरेंट अक्सर जो तैयार करता है अपने बच्चों को जॉब के लिए, और जो आने वाले समय की डिमांड है किसी भी विकसित देश में, जो बात की जा रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप जितना अच्छा स्ट्रांग होगा, स्मॉल स्केल सेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही देश की में और समाज में विकास आएगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है कि देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी आज तक उद्यमी हैं वो फिक्स हैं, वो जिन्होंने नौकरी दे दी वो फिक्स हैं। सभी के एफर्ट्स अब यही हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं कंट्री का, वो यही चाहते हैं कि नव उद्यमी आएँ। अगर नव उद्यमी आएंगे तो नव उद्यम लगाएंगे, नव उद्यम लगाएगा तो देश के लिए असेट्स तैयार होगी, देश के लिए युवा वर्ग आएगा जो नौकरी भी करेगा उनके यहाँ। तो एक तरह से वो देश को आगे भी बढ़ा रहे हैं, GDP भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन कर रहे हैं। तो नेचुरली और एक्चुअल में माइंड सेट चेंज हो रहा है, नए युवा आ रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले कई वर्षों में जो टेक्निकल कॉलेजेस से निकले, IIT से नहीं, इवन IIM से निकले, उन्होंने कई ऐसे उद्यम डाले हैं छोटे छोटे, जिन्होंने कोई उन्होंने रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी नहीं जनरेट की है, उन्होंने जो एग्जिस्टिंग डिमांड को देखते हुए छोटे छोटे ऐसे उद्यम है जिनमें उन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए उसमें एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस की, प्रोडक्टिविटी इंट्रोड्यूस की, कॉस्ट का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया और आज वो सक्सेसफुल बिजनेस। यानी कि नए तरीके से अगर हम व्यापार करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ी लागत के साथ बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ काम शुरू करें, किसी भी एग्जिस्टिंग समस्या को पकड़ लें, उसके लो कॉस्ट या नो कॉस्ट सॉल्यूशंस को जनरेट करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं, तो आप एक इसको उद्यमिता का स्वरूप दे सकते हैं जी। मोनिका जी, आप MNIT से एसोसिएटेड हैं, वहाँ पर ED सेल बहुत व्यापक तौर पर काम कर रहा है और जिसका कि मुख्य कार्य यही है कि बच्चों में इस बात का विकास करना कि वो इसको एज ए करियर ऑप्शन की तरह भी चूज़ कर सके। तो किस तरह की ट्रेनिंग्स के जरिए, मतलब लोग कहते हैं कि बिजनेस ब्लड में होता है, पर ऐसी ये बात, इस बात से आप सहमत हैं कि बिजनेस ब्लड में होता है या ट्रेनिंग के जरिए इसे प्राप्त किया जा सकता है? धन्यवाद पुनीत जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक मैं मैनेजमेंट की फैकल्टी हूँ MNIT में, तो हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, बिगिनिंग में वी स्टार्ट विद दिस एंड देन एट द एंड ऑफ इट जब हम पूरा अपना कंप्लीट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लीडर्स आर मेड, मैनेजर्स आर मेड। उसी तरीके से जो एक उद्यमी है, बहुत जगह ये होता है कि आपके पिताजी का बिजनेस है या आपका दादाजी का बिजनेस है, हम उसको आगे लेके जाएंगे, उसको नई दिशाएं देंगे, बट आज ऐसा नहीं है। आप जितने भी आजकल जो नए उद्यम देख रहे हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्नैपडील हो, चाहे बहुत सारी जो कंपनीज हैं, वो सभी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनके पेरेंट्स या तो कहीं जॉब में थे। तो इस तरीके से मैं इस बात से अग्री नहीं करती कि वो खून की वो है बात। तो दोस्तों, ये बात आने इस समय में ये प्रूव हो चुकी है कि जरूरी नहीं है कि आपका खानदानी कोई व्यापार उद्यमिता आपके घर में रही है कि नहीं रही है। आपने अगर सोचा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अपना सवाल एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशित अभिनंदन है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स में हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन पहली बार हम उस आइडिया को कहाँ प्रपोज करें, कहाँ प्रपोजल रखें कि हमें सही स्टार्ट मिल सके और हम एक उद्यम चलाने में सक्सेसफुल हो सकें, तो इसके लिए क्या कहना? देखिए, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इस तरह के नव जो विचार होते हैं उनको सपोर्ट करता है और उनको मूर्त रूप में लाने में आप लोगों का बहुत सहयोग करता है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हर एक जिले के अंदर एक होता है DIC, जिसको हम कहते हैं जिला उद्योग केंद्र। उस जिला उद्योग केंद्र में आप जा सकते हैं, जहां आप बताएं कि मेरे पास इस तरह का एक प्रोजेक्ट का आइडिया है और मैं इसको मूर्त रूप में, वहां पे जो ऑफिसर्स हैं वो जानना चाहेंगे क्या जो आपका आइडिया है वो वाइबल है कि नहीं, क्या उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में तब्दील किया जा सकता है, और अगर तब्दील किया जा सकता है तो कई तरह के सपोर्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यूनिट का, मार्केट सर्वे करके आप बता सकते हैं कि इसकी डिमांड है और मैं इस कॉस्ट पे इसको बेचूंगा जिसको लेने के लिए कई लोग तैयार हैं, तो फिर वो आपको पूरी सहायता देते हैं, आपकी यूनिट की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको ज़मीन की अगर दरकार होती है तो वो जो हमारा रीको है उसके माध्यम से आपको ज़मीन प्राप्ति में मदद करते हैं, आपको फाइनेंस दिलवाने में राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से मदद कराते हैं, यदि आपको पावर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी इन्हीं के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और अगर आपको ऐसा ही आप आइडिया है कि जो अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम उसको ट्राई करना चाह रहे हैं, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसमें एक और चीज़ है, इंक्यूबेशन सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, AICT है, विभिन्न कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किए हैं, जहाँ आपके बिल्कुल ये नया आइडिया है आप उसको ले जा सकते हैं, उस पर प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उसको कमर देख कोशिश कर सकते हैं कि वो बिक सकता है नहीं बिक सकता, कमर्शलाइज किया जा सकता है कि नहीं, और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हैं तो आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। शर्मा जी की बात को मैं आगे लेना चाहूँगी, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, अभी कुछ दिन पहले ही MNIT में भी इसका शुरुआत की गई थी, फाउंडेशन उसका, उसमें ये होता है कि अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है, या आप ये चाहते हैं कि कोई आपको मेंटर करे या आपको जो आपका आइडिया है उसको रिफाइन करे जिससे कि आप उसको सेल कर पाए, तो इस तरह की जो मेंटरशिप भी उसमें मिलती है, आपको ट्रेनिंग मिलती है कि हाउ यू कैन बी एन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर, तो विभिन्न तरह की ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं ये आपको एक स्पेस देते हैं, एक एड्रेस देते हैं, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नेट फैसिलिटीज, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में वो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं जो आपका एक बिजनेस आइडिया जो है उसमें आपका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट कर सकते हैं। तो इस तरह के राजस्थान में भी हैं और इंडिया में भी बहुत बहुत सारे इस तरह के यूनिवर्सिटीज में सेंटर्स हैं जी, यानी कि इसका मतलब ये क्लियर है कि सरकार की ओर से वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बात यह है कि आपके जहन में कोई आइडिया कौन है और वो स्वप्न जो है आप उसे आप साकार करने के लिए पुरजोर कोशिश करें तो निश्चित ही आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मुझे लगता है आपकी बात का जवाब आपको जी सर, थैंक यू। मोनिका जी, आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह की खास ट्रेनिंग्स होती हैं, यानी कितना समय लगता है, कि पढ़ाई के साथ में वो की जा सकती है या बाद में पढ़ाई के पश्चात वो ट्रेनिंग्स करनी होती है जिससे कि आप अपने अंदर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए जो बेसिक स्किल्स एक्वायर कर सकें। MNIT में हम लोग अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये नहीं है कि हम सिर्फ MNIT के स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग देते हैं। EDSEL है, ये एक फुल फ्लेज्ड जो यूनिट है, ये हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से ट्रेनिंग करना उनको स्टार्ट करते हैं। ये होता है कि जो यंग जनरेशन है, जो आप लोग हैं, जो अभी अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों का जो सोचने का दायरा है वो बहुत ही बड़ा है, तो अगर इसको हम लोग अगर टैप कर पाएँ, अगर इसको हम लोग बेहतर तरीके से पकड़ पाएँ तो एक नए आइडियाज़ आएंगे, उनको हम ट्रेन करते हैं। जैसे हम लोग FDPs ऑर्गेनाइज करते हैं कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिफरेंट कॉलेजेस के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हम उनको ट्रेन करते हैं कि वो जाके अपने कॉलेजेस में जाके और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। EDSEL कोर्सेज रन करता है जो साल भर के कोर्सेज हैं, अब हम एक 4 साल का कोर्स फ्लोट कर रहे हैं जो हम फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स को हम 2 साल तक कंपल्सरी मैंडेटरी कोर्स करेंगे, जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेगा, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनसे इंटरेक्ट करेंगे, बहुत ही एक जनरलाइज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्ट करेंगे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से करेंगे, अनसक्सेसफुल से भी करेंगे, सो ये जान पाए कि हम कहाँ पे वो कमी रह गई, बेहतर तरीके से किस तरीके से आपके बिजनेस। मोनिका जी से अभी हम जानेंगे कि किस तरह से फॉर्मल ट्रेनिंग और ली जा सकती है, क्या इसमें और कोई फॉर्मल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज हैं, फिलहाल हम अपने साथियों से जानना चाहेंगे उनके सवाल। नमस्कार सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम कोई उद्यम की शुरुआत करना चाहें तो हमें सरकार से किस तरह की मदद मिल सकती है? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि सरकार से काफ़ी मदद मिल सकती है, आपको सबसे पहले तो गाइडेंस मिल सकती है कि आप किस तरह का उद्यम लगाना चाहते हैं। देखिए, एक तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि पहले तो आपके अंदर उद्यमी में क्या क्या आप में गुण होना चाहिए, जो आपकी कमियाँ हैं वो आपके पर्सनलिटी डेवलपमेंट के थ्रू उसकी कमी की जाती है, ओवरकम किया जाता है, आपका माइंड बिल्डअप किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, आपके अंदर एंटरप्रेन्योर ट्रेट्स डेवलप किए जाते हैं, देन आपको एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद की जाती है। प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो भी है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी सक्षमता के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आप चूज़ करते हैं, उसके लिए आप मार्केट सर्वे करके आप शॉर्टलिस्ट करते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को बना सकते हैं। देन उसके बाद वो आपकी मदद करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के अंदर। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उसको फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या बैंक में लेके जाइएगा, आपको उससे फाइनेंस मिल जाएगा। ज़मीन की आपको ज़रूरत है तो आपको राजस्थान जो रिको है उससे ज़मीन आपको प्राप्त हो सकती है, तो किस इस तरह की आपको मदद करती है। देन उसके बाद अगर आपको चलाने में कोई दिक्कत आती है शुरू में, तो वो उसमें भी आपको मदद करते हैं, उसमें सब तरह के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जयपुर का जो MSMEDI है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके पास 9 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के, जिसके इस तरह की वो गाइडेंस देते हैं। जी आशीष, आप सबसे पहले तो एक वेबसाइट MSME की वेबसाइट खोलिए और उसके ज़रिए सबसे पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए, फिर उनके दफ्तर में जाइए, आपको निश्चित तौर पर सारी जानकारी मिलेगी और आप अपने सपने को आगे ले जा सकेंगे। थैंक यू सर। अगला सवाल। सर नमस्ते, मैम नमस्ते, मेरा नाम गोपेश शर्मा है और मैम मैं ये जानना चाहूँगा, मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं आगे कहाँ पर जाकर उसका प्रमोशन करूँ, कहाँ पर जाके कहाँ से उसको स्टार्ट करूँ, लोगों के बीच जाना, कहाँ से मैं उसको प्रमोशन की बात करेंगे, क्योंकि पिछले सवालों में हम ये बात ले चुके हैं कि किन जगहों पर जाकर के शुरुआत की जा सकती है। प्रमोशन करना, प्रोडक्ट अब आपके पास में आ चुका है, अब उसे लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, उसे बेचा कैसे जाए। देखिए, जो ट्रेनिंग होती है, जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होती है, 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 1 वीक इसीलिए चीज़ को डिवोट किया जाता है कि आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले उसके अंदर एक आपको क्वेश्चनेयर दिया जाता है, जिसमें आपकी मदद की जाती है क्वेश्चनेयर बनाने के अंदर। वो 3 तरह के क्वेश्चनेयर होते हैं। एक तो ये होता है कि आप वो जो उस तरह का प्रोडक्ट इस समय जो कंज्यूमर हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक उसके डीलर वगैरह कैसे कर रहे हैं, और एक मैन्युफैक्चरर कैसे कर रहे हैं। आपको ये, आप जब बाजार में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या आप जो ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्या आप उससे बेहतर प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, क्या उनकी बाकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, कॉस्ट आपकी इफेक्टिव के नहीं, उसकी लाइफ अच्छी है कि नहीं, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, तो आप एक तरह से मार्केट के संपर्क में आते हैं। दूसरा, आप डीलर नेटवर्क के पास जाते हैं या रिटेलर्स के पास जाते हैं, तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप बनाने चाह रहे हैं उसका ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, कैसा चल रहा है, कितनी उसकी खपत है, अमूमन एक हाउस होल्ड कितनी खपत करता है, रिकरिंग डिमांड कितनी है, किस कॉस्ट पे लेते हैं, क्या उसका प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कोई प्राइस बढ़ती है तो क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट सर्वे करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ती चलती हैं। और सेम वे अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो उनसे भी जब आप मालूम करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्या है, आप मार्केट कैसे करते हैं, क्या आप एडवांस लेके मार्केट में बेचते हैं, आपकी सेल्स प्रमोशन की स्ट्रेटेजी क्या है, कितना डिस्काउंट कमीशन देते हैं, जब ये आप सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कहाँ कर सकेंगे। फिर भी जैसा आपने प्रश्न किया तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें भी गवर्नमेंट की असिस्टेंस आपको अवेलेबल है। आप अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में SIDBI करके एक विभाग है, MSME डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो मैंने आपके इंस्टीट्यूट का आपको जिक्र किया वो है, देन राजस्थान गवर्नमेंट में RSICA है और DIC है। यहाँ पे एक सेल मौजूद है जो इस तरह के मेले लगाता है, जिसके अंदर आप अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर सकते हैं, पब्लिक का रेस्पॉन्स देख सकते हैं, उनके कमेंट्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी गोपेश, आपने अच्छा सवाल पूछा। अक्सर लोग यहीं तक आकर सीमित रह जाते हैं कि हमें कोई चीज़ बनानी कैसे, लेकिन जब तक वो चीज़ लोगों द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी उसका मतलब फेलियर वाले संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है स्टोर परचेस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत 358 जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं उनको रिजर्व किया गया है कि बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में सरकार को खरीदना जरूरी है, और उसमें 15% प्राइस प्रेफरेंस है। मतलब अगर बड़ी कंपनी से आपका प्रोडक्ट 15% महंगा भी है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाए। ऐसे 358 प्रोडक्ट की लिस्ट स्टोर परचेस आइटम पे MSME DI की लिस्ट, जैसा आपने कहा वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, या NSIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। जी अगला सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम शिवा हुआ और मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट का कुछ बिजनेस खोलता हूँ तो
उसे मैं समय के साथ उसका स्तर कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से उसको एक ऊंचे स्तर पे या एक बड़े लेवल पे उसको स्थापित कर सकता हूँ। आप किस जगह पर लगाना, ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, शहर में लगाना चाहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में उसका शुरुआत करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या 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 मुझे सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल सकती है या फिर मुझे खुद से ही उसके लिए कुछ आगे करना पड़ेगा? देखिए, इसमें ट्रांसपोर्ट दो तरह का है कि आप ह्यूमन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट मतलब आप बस सर्विसेज वगैरह आप चालू करना चाहते हैं? तो देखिए, ये बस सर्विस जो आता है ये कमर्शियल एक तरह से आस्पेक्ट है जिसके लिए आपको बैंक से अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए, जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए या बस के लिए, इस तरह की कोई भी जैसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। लेकिन आप चाहें तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं आप उनसे अप्रोच करें, फिर भी वहाँ भी आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें आपको एक बार ये सर्वे करना पड़ेगा अपने एरिया का कि आपके यहाँ से कितने लोग सुबह से शाम तक में किस नियरेस्ट प्लेस पर जाते हैं, कितनी आपकी फ्रिक्वेंस रहेगी, कितना आप कमा पाएंगे और कितना आप उनका रीपे कर पाएंगे। जब वो देखेंगे कि ये कमर्शियल वायबल है तो वो आपको लोन देंगे, और जब आपका लोन का जो क्रेडिट वर्दीनेस ठीक रहेगी कुछ सालों तक, तब वो आपको एक्सपांशन के लिए दोबारा से लोन लेना। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप उसको प्लोबैक करें, खुद ही आप कमाएं अच्छा और उसमें जो प्रॉफिट आए उससे अपना करें, लोन पर अपनी डिपेंडेंस को जितना भी कम हो सके करने की कोशिश करें। यानी कि सबसे पहले सर्वे, फिर एक अच्छी सी रिपोर्ट और फिर उसका पेबैक पीरियड और पूरी सारी कैलकुलेशन करके फिर आप बैंक को अप्रोच करें तो निश्चित ही आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और कोई सवाल? नमस्कार सर, मेरा नाम अपर्णा शर्मा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को कोई उद्यम स्थापित करना चाहे, महिलाएं कोई, तो उन्हें सरकार की सहायता से क्या सहायता मिल सकती है? फीमेल के लिए कोई स्पेशल पैकेज हो? ये अच्छा प्रश्न है। और देखिए, फीमेल के लिए तो अभी से नहीं, बहुत पहले से ही सरकार ने बहुत प्रिविलेजेस दिए हैं। यदि कोई भी उद्यम स्थापित करना चाहे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, आपको इसके लिए ट्रेनिंग भी मिल सकती है, आपको उसके लिए जो है वित्तीय सहायता भी मिलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि इसमें सहायता करते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट का, तो राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान वित्त विभाग, उसमें एक महिला उद्यम निधि स्कीम चलती है, MUN के नाम से उसको जाना जाता है, महिला उद्यम निधि स्कीम, जिसके अंदर आपको 20 लाख तक का अगर आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तो बड़ी आसान शर्तों पे आपको लोन मिलता है। आपका जो प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन है 20 लाख के अंदर, वो मात्र 10% होता है। मतलब आपको 2 लाख रुपए स्वयं को लगाना है, उसमें बाकी जो है करीब 25% आपको वो मिलती है सब्सिडी, सॉफ्ट सीड लोन मिलता है। मतलब एक आपको एक ऐसा लोन मिलता है कि जब आप उसको ले लेंगे 25%, मतलब मान के चले कितना हुआ, करीब 5 लाख, वो आपको 5 साल तक फ्री इंटरेस्ट फ्री है, मतलब 1% सिर्फ सर्विस चार्जेस लगेगा और 5 साल बाद वो नॉर्मल लोन बनता है। तो कुल मिलाकर आपको 10% अपना लगाना है शुरू में, उसके अलावा आपको ये सब्सिडी मिल जाएगी और बाकी है वो टर्म लोन आपको राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन देगा। इस तरह से इसके माध्यम से महिला कोई सा भी उद्यम लगा सकती हैं, लेकिन उसमें महिला की अगर वो जॉइंट वेंचर भी करना चाहती हैं तो उसका जो स्टेक होना चाहिए 51% कम से कम होना चाहिए, तभी वो महिला उद्यम कहलाएगा। तो आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, आप 2 महिलाएं इकट्ठी होकर कर सकती हैं इस उद्यम को। इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, ब्यूटी पार्लर, सर्विस सेक्टर का कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जी मुनिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर महिलाओं का जो सोच रहता है वो दायरा ये होती है कि कंफर्टेबल काम हो, खासतौर से टीचिंग है या बैंकिंग सर्विस है। एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए कुछ और पर्सनलिटी एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि आपके साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, खासतौर से गर्ल स्टूडेंट्स। आप क्या पाती हैं कि उनमें क्या योग्यताएँ होनी चाहिए जिससे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सक्सेसफुली आगे बढ़ सकें? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एक ही क्वालिटी चाहिए, वो चाहिए एक कुछ कर गुजरने का जज्बा, वो चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो। मुझे ऐसा कभी अपने स्टूडेंट्स में कभी ये फील नहीं हुआ कि ये लड़का है तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए या ये लड़की है तो ये नहीं जा सकती। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपको ये लगता है कि जैसे हम दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, एक तो होता है अपॉर्चुनिटी बेस्ड कि कोई नया आपके पास आइडिया है जो बिल्कुल इनोवेटिव है, जैसे पुनीत जी ने कहा, उसको मैं किस तरीके से एक्सप्लोर करूं। एक होता है नेसेसिटी बेस्ड कि इस चीज की जरूरत है और इसको मैं मार्केट में लाऊं। तो वो बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनको भी आइडिया आता है, जैसे हम लोग MNIT में का बहुत बार स्टार्टअप सैटरडे होता है जिसमें हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं,
उनके वो पूरा एक 24 घंटे का प्रोग्राम आता है, मतलब पहले उनको एक महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये जैसे 24 तारीख से शुरू होगा। स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बस स्टार्टअप अभी शुरू नहीं किया है, उनको हम पूरा 24 घंटे देते हैं। शाम को 5 बजे से अपने अपने मेंटोर के साथ वो डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं और अगले दिन 5 बजे वो ख़त्म होता है प्रोग्राम। और फिर प्रेजेंटेशंस होता है कुछ, और हम लोग एंजल फंड इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंटल ऑफिसर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में, तो उन लोगों को बुलाते हैं और वो देखते हैं। तो उसमें जो मैं पुनीत जी पाती हूँ कि चाहे लड़कियों का भी आप मान लीजिए, आई वोंट से 50% है, बट ये मान लीजिए 30-35% उसमें लड़कियां भी होती हैं और वो भी उतनी ही शिद्दत से काम करती हैं। यानी कि जेंडर स्पेसिफिकेशन की बात नहीं है, ये बात साहस और आइडिया से ज्यादा जुड़ी हुई है और ये दोनों बातें किसी भी व्यक्ति में पाई जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपनी बात इस बात से सहमत होंगे। अगला सवाल। नमस्कार सर। सर मेरा नाम प्रवीण परोह है। मेरा सवाल ये है कि जैसे ग्रामीण स्तर पर वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको मैं लोगों मतलब किसानों तक कैसे सही ढंग से पहुँचा सकूँ, या ऐसे मतलब कोई केंद्र मैं खोल सकूँ ताकि उनको उन उपकरणों के बारे में सही नॉलेज मिले, तो क्या सरकार से मुझे उसके लिए कदम उठाने के लिए कुछ सहायता? ट्रेनिंग और सप्लाई। हाँ, ट्रेनिंग सप्लाई डेमोन्स्ट्रेशन, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि एग्री बिजनेस से रिलेटेड इक्विपमेंट अगर आप बनाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी डिमांड है और आज का हमारा बहुत किसान जो है जागरूक है। मैं इसमें आपको इस सहायता का एक बहुत अच्छा वो बताता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, KVK कहलाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। आईकार मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ये आते हैं और आप यहाँ पे जाके जो भी आपका आइडिया है आप उसको वहाँ पे जाएं डेमोन्स्ट्रेट करें, क्योंकि उनके यहाँ डेली प्रोग्राम चलते रहते हैं किसानों का, एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का, सात दिन का, कई बार तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 6-6 महीने के कोर्सेज हैं वो वहाँ चलते हैं। आप वहाँ जाइए, आप अपने जो इक्विपमेंट है उनका डेमो कीजिए, यदि वो इक्विपमेंट की कोई वर्थ है तो नेचुरली किसान आज का लेने को तैयार है। हर तरह की नई फसल को वो ट्राई कर रहा है, आज का किसान कमर्शियल कर रहा है। आपने देखा होगा कि अब तो इजरायली टेक्नोलॉजी से हमारे राजस्थान के अंदर वो जैतून की खेती होने लगी थी, तेल की रिफाइनरी लग गई जी। तो ये बहुत यानी कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस दोनों ही कामों के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स हैं जो खेत में हल जो चलाए जाते हैं, फसल काटने के जो इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की मेंटेनेंस और ट्रेनिंग से रिलेटेड भी वहाँ पे काफ़ी आपको मदद मिलती है, जिसको मैं कह रहा हूँ कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। जैसे कि अगर आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ टाकरड़ा है चोमू के पास, जयपुर का डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर ही है जी। तो आप जल्दी ही वहाँ पहुँचें और अपनी बात को अपनी आँखों से देखें जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी को एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहते हैं, तो इस पर मैम महिलाएं एक अच्छी उद्यमी बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या जरूरी है? देखिए मैं ये मानती हूँ अगर आप समाज में रहते हैं तो आपको ये जरूरी नहीं है कि अगर मुझे उद्यमी बनना है तो मुझे समाज से के अगेंस्ट जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में रह के भी सफल उद्यमी हो सकती हैं। बहुत सारे ऐसे उद्यम हैं जो आप घर बैठे भी चला सकती हैं, जैसे सर ने कहा ब्यूटी पार्लर्स हैं, प्लस आप अपने जिस भी प्रोफेशन में आप एक्सेल करती हैं, जैसे आप आपको ये लगता है कि आप गांव में रहती हैं और आप बहुत अच्छे कारपेट बना सकती हैं, या आप बहुत अच्छी कोई प्रोडक्ट बनाती हैं जो आपको लगता है कि शहरों में आप जाके उसको सेल करवा सकती हैं, तो आप उसमें भी घर बैठे भी आप बहुत अच्छी उद्यमी बन सकती हैं और उसको आगे बढ़ सकती हैं। और बाकी ये रहेगा कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो जब मैंने तो यही पाया है अपने पिछले 15-20 साल के करियर में कि अगर आप में जज्बा है कि मुझे कुछ करना है तो ये बात ऐसे मुझे कभी सब मदद करते हैं, सब मदद करते हैं आज के उसमें, सभी आपको आगे बढ़ने के लिए सभी मदद करते हैं आपको जी। अगला सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरा नाम प्रकाश राठौर है। मेरा सवाल ये है कि किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए उम्र की कोई सीमा होती है, न्यूनतम सीमा? क्या मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है बट मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं बैंक में लोन लेने के लिए सक्षम हूँ, तो क्या गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसी स्कीम प्रकाश है? सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूँ, सपने की कोई सीमा होती है या उम्र होती है? नहीं सर, बस
सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई उम्र की सीमा नहीं, हाँ वयस्क होना बहुत ज़रूरी है, एंड कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक जिक्र करूँ, एक PMEGP बहुत अच्छी स्कीम है जो कि किसी ज़माने में PMRY स्कीम के नाम से जानी थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसको कि बाद में चेंज कर दिया गया PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। उसके अंदर आप अगर कोई सर्विस सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो 10 लाख तक का लगा सकते हैं, और 25 लाख तक का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें यदि आप कोई टेक्नोलॉजी बेस लगाना चाहते हैं तो उसमें, और 5 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं सर्विस सेक्टर में, तो 8वीं पास होना जरूरी है, और अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं 10 लाख से ऊपर का अगर उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तो 8वीं क्लास पास होना जरूरी है, अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जहाँ तक उम्र की सीमा है, 18 साल होना उसका जरूरी है, लेकिन अपर के लिए यस, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी अपनी एक सोच होती है, क्योंकि जो व्यक्ति उनके यहाँ लोन लेना आया है उसका रीपेमेंट देखने के लिए कि ये अगर व्यक्ति जो है इनके साथ कोई और यंग्स एसोसिएटेड है कि नहीं, कि कल को इवेंचुअलिटी के केस के अंदर उसको यूनिट को कौन आगे चला सकेगा। ये नहीं कि उनका लोन क्या रिसीव है, नहीं, वो उस यूनिट को कैसे आगे चला सकेगा, क्योंकि यूनिट को चलाने से देखिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, नेशन की वेल्थ बिल्डिंग होती है, ये उद्देश्य होता है, ये नहीं कि उससे लोन लेने की। तो ये देखा जाता है कि उसके साथ किसी यंग को एसोसिएट किया जाए, या तो उसका बेटा हो, भतीजा हो, या कोई ऐसा यंग जो भी हो, कि जो अगर इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी या उनको कोई ऐसी बीमारी हारी हो जाती है लंबी, तो वो उस यूनिट को चला सके। जी, उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे। अगला सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अगर मेरे पास कुछ पूंजी है लगाने के लिए किसी बिजनेस में, तो मैम मेरे को क्या करना चाहिए, या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो मेरे को लेके चलनी चाहिए, इससे कि मेरे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और अच्छा चले। मतलब जी, चूंकि आपका नाम जतिन सिंह। हाँ जतिन, मैं आपसे अग्री करती हूँ कि आप पूंजी है आपके पास, लेकिन पूंजी से भी पहले आपका जो बिजनेस आइडिया है, आप क्या करना चाहते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। पूंजी सेकंड स्टेप है, सबसे पहले है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है, जैसे शर्मा सर ने कहा कि आपने कितना उसका क्वेश्चन है, आपने कितना सर्वे किया है कि उसकी सेलेबिलिटी कितनी है, कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है, कितनी ज़रूरत है लोगों को आपका जो बिजनेस आइडिया है। उसके बाद जो आपकी जो पूंजी है उसको फिर आप ये देखिए कि आप 25% है कि 20%, आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कहा सरकारी संस्थान 80% 85% तक आपको फाइनेंसेस देते हैं, डिपेंडिंग कि आपने आपका क्या बिजनेस आइडिया है। तो सबसे पहले तो आप अपना बिजनेस आइडिया को स्ट्रांग बनाइए कि उसको आप बेच पाएं, उसको बेच पाएं। उसके बाद पुनीत जी से मैं इस बात को कहती हूँ कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट बनाइए कि आपने अपना मार्केट सर्वे पूरा कर रखा है, आपने अपना फाइनेंशियल स्टडी पूरी कर रखी है कि पे बैक पीरियड कितना रहेगा, कितने साल में आप लौटा पाएंगे, कि आपके इनफ्लो मतलब रिटर्न कितना रहेगा, आपका आउटफ्लो कि पैसा आपको जो इन्वेस्ट करना है, चाहे मशीन में करना है, चाहे सर्विसेज में करना है, कि आपको मटेरियल खरीदना है, कि आप अगर आप कुछ रिटेल स्टोर लगाना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आपका पैसा जाएगा और किस तरीके से लौट के आएगा, किस स्टेप्स में आएगा, जैसे उसको कहते हैं हम इनफ्लो, तो उसकी पूरी स्टडी है। पैसा किस तरीके से चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एक ही बार पैसा चाहिए, पैसा आपको किस किस स्टेप्स में चाहिए, कि 6 महीने में चाहिए आपको, 1 साल बाद कितना और चाहिए, 2 साल बाद और कितना चाहिए, तो इस तरीके से आपको पूरी जब आप स्टडी कर लेते हैं और वो आपको किसी के सामने भी आप प्रेजेंट करेंगे, आपकी पूंजी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको बड़ा सोच रखते हैं तो आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वैसे आपका बिल्कुल कही है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट आइडिया हो, मैंने कहा वायबल होना चाहिए, मार्केट सर्वे से आप बिल्कुल स्ट्रांग लें, कभी भी किसी चीज के लिए करें मार्केट सर्वे जरूर करें, क्या आप उसको बेच पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे, तभी आगे बढ़े। पूंजी सेकंड प्लेस है, लेकिन पूंजी के लिए सहायता मौजूद है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपके पास पूंजी है, कईयों के पास तो पूंजी भी नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास पूंजी है तो भी सरकार की बहुत अच्छी अच्छी सी स्कीम्स हैं। जैसे मैंने कहा अभी महिला उद्यमिता स्कीम है, आपको 10% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अभी मैंने जिक्र किया था PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, जनरेशन स्कीम, उसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो 25 लाख है यदि मैन्युफैक्चरिंग है और 10 लाख अगर से ना, तो आपको उसके अंदर 10% कंट्रीब्यूट करना है। यदि आप SC ST और महिला हैं और किसी वर्ग से हैं, हैंडीकैप्ड अगर हैं, तो आपको सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करना है, बाकी
15-35% तक की सब्सिडी भी अवेलेबल है। तो कई स्टिपुलेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि इतना मिनिमम तो आपको लाना ही होता है। डेट इक्विटी रेशियो जिसको कहते हैं कि आपको अपनी कितनी पूंजी लगानी है और आपको कितना लोन मिलेगा, उसको एक जो कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं, वो 2:1 का आज की डेट में चलन है। मतलब आपको 66% लाना पड़ेगा, 33-34% सॉरी 66% तो आपको लोन मिल सकता है और जो 1% मतलब 33-34% आपको अपना स्टेक लाना पड़ेगा, एक जनरल नॉर्म है ये जी। डी के शर्मा साहब, मोनिका जी, आप दोनों से ही ये बात मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप दोनों व्यक्तिगत जीवन में पेरेंट की भूमिका भी निभा रहे हैं। एक सेफ गेम चलना एक सोसाइटी का एक ट्रेंड होता है। एज अ पेरेंट हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई एक सेफ स्टडी, सेफ एनवायरमेंट और उसमें सेफ नौकरी मिल जाए, सेफ जीवन गुजर जाए। उद्यमिता की हम जहाँ तक बात करें तो बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकलना है, वो शुरुआत सबसे पहले घर से करनी होगी। जो पेरेंटल माइंडसेट है कि कोई चांस ना लें, ऐसी गलती हो गई तो जीवन बर्बाद हो गया, तो उसे कैसे परिवर्तन लाया जाए, मुझे लगता है सबसे पहला अटेम्प्ट वहाँ होना चाहिए। वो कैसे, उसे कैसे चेंज किया जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि पेरेंट्स के अपने सोच है, उनकी अपने जिम्मेदारियां हैं, उसको देखते हुए। लेकिन अभी जो अभी आप जैसा मोनिका जी ने जिक्र किया कि अभी जो आईटी सेक्टर के अंदर नए नए लोग बाग आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, पेरेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट था वो तभी आ पाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है एंड पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हो चुका है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं या जो हम लोग हैं, हम डिसिल्यूजन हो चुके थे अपनी नौकरी करते करते। हमें मालूम है कि आज से 5 साल बाद नौकरी करने के बाद हमारे लिए चांसेस नहीं है कि हम दोबारा एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकें, और वो जो फ्रस्ट्रेशन एक पेरेंट भोगता है वो उसको विजुअलाइज कर चुका है और आज अपने बच्चे को एनकरेज करता है कि वो जाए। लेकिन फिर भी एक प्रश्न का मैं और बेहतर तरीके से आंसर इस तरह से देना चाहूँगा कि आप या आपके मित्र या रिश्तेदार जो भी बिजनेस में कभी जाना चाहते हैं, सबसे पहले मार्केटिंग करें। जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को करना चाहते हैं उसकी मार्केटिंग करें, एक बार मार्केट को समझ लें अच्छी तरह। मार्केट आपके हाथ में, मार्केट का एक शेयर आपके हाथ में आ सकता है, उसके बाद ट्रेडिंग करें, लोगों से गैदर करके चीज़ों को फिर बेचना चालू करें उसको, और अंत में खुद मैन्युफैक्चरिंग चालू करें। एंड ये सफलता का मंत्र आपने बहुत सही दिया कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि बजाय सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करना और फिर बेचना, पहले आप मार्केट को समझें, क्या चीज़ लोगों को चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए फिर लोगों से जो बना रहे हैं उनसे एकत्रित करके बेचना, और अंत में जब कॉन्फिडेंस बन जाए तब फिर मैन्युफैक्चरिंग में कूदना। मोनिका जी, आपसे पूछना मैं चाहूँगा कि किसी पेरेंट को ये बात अगर समझना चाहे कि भाई ये यात्रा लगभग कितनी लंबी हो सकती है, कम से कम, तो कितना माने कि हम शिक्षा खत्म करने के बाद किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश होने में कितना समय कम से कम लग ही जाता है फौरी तौर पर? देखिए, बिजनेस आइडिया अगर कोई नया आइडिया है तो उसका मैं एक कोई समय सीमा नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है तो 6 महीने में भी आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं, और हो सकता है कि आपको थोड़े और मेहनत करनी पड़े तो उसमें 2 साल भी लग सकते हैं। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी, जैसे हम कहते हैं कि 90-95% जो आइडियाज होते हैं वो नहीं चल पाते, लेकिन उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास एक नया आइडिया है, जब आपका फेलियर होता है, आप जितने भी बुक्स उठाइए, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़िए, सब ने ही शुरू में कुछ ना कुछ फेलियर फेस किया है, तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पुनीत जी से ये अग्री करती हूँ कि बीइंग अ मदर, मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा कि अगर मेरी बेटी मुझे ये चाहे कि कहे कि मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, तो हाँ, पढ़े लिखे होने के नाते मैं उसके साथ बैठूंगी, उसे डिस्कस करूंगी कि वो क्या करना चाहती है, और थोड़ी सी इस बारे में नॉलेज होने की वजह से मैं उसमें उसकी कुछ मदद भी कर पाऊंगी। क्या ऐसा जरूरी है कि कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी पेरेंटल लेवल पर कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज चल रही हैं और पढ़ाई भी वो कर रहा है, क्या फिर भी उसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की? मैं एग्री करता हूँ इस बात से। देखिए कि आप जो एक लिमिटेड दायरे के अंदर आप उसमें काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप अगर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव मिलता है, आपके आगे एक विज़न खुल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उससे रिलेटेड या उससे जो दूसरे कॉम्पिटिटर टाइप का कोई बिजनेस है वहाँ जाएँ और वहाँ सीखें सारी चीज़ें। जब तक आप बिजनेस की नेटी क्रिटी नहीं समझेंगे, आज के युग में क्या डिमांड है वो नहीं समझेंगे, जो अभी जो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको नहीं अपनाएंगे,
तो बिजनेस को आगे खींचना बहुत मुश्किल है। ट्रेडिशनल बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई नवाचार करने की कोशिश नहीं करता। तो नवाचार करना, नए जो अपने ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इनको इस्तेमाल करना, इसका बहुत जरूरी आवश्यक है। आज का जमाना प्रोफेशनल मैनेजमेंट का है जी, क्योंकि पहले ये होता था कि आपके पास वक्त ज्यादा है, आज आपको अपने बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए वक्त बहुत कम है। एक होता है कि रिसर्च ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होती है कि मेरे पास बिजनेस आइडिया है बट मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं कि मेरे पास बिजनेस आइडिया एंड पुनीत जी के पास ज्यादा अच्छा आइडिया है उसको एक्सपैंड करने का, तो मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्योंकि जैसे ही वो आइडिया मार्केट में आएगा, ओपन है, तो कोई भी और भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है बिजनेस की, बहुत इसेंशियल है कि आप कम समय में कितना अच्छा काम कर सकते हैं और जो फिजूल की जो चीजें हैं उनको हम किस तरीके से हटाएं कि बिल्कुल लीन बन के और अपना जो बिल्कुल अर्जुन की तरह उस लक्ष्य पे रहे कि हमें क्या अचीव करना है। जी, हम अक्सर ये एक बात कहे जाते हैं, एक टर्म यूज की जाती है एंजल फंडर्स। अक्सर हमारे माता पिता को हम मानते हैं कि ईश्वर का वरदान होते हैं, ये दूसरे ईश्वर के तुल्य होते हैं क्योंकि वो हमारी बात को पूरा करने के लिए, हमारे सपने को पूरा करने के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल फंडर्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। तो VCs, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, VCs जब कोई एंटरप्रेन्योर अपनी प्रपोजल लेकर के जाता है तो वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे हमारे नए साथी जो मौजूद हैं, सबको एक आइडिया के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो बैंक के अलावा दूसरे लोग भी हैं जो उतने उदार हृदय हैं कि आपके बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सपोर्ट करेंगे, तो वो अक्सर क्या चीज़ें ढूंढते हैं उनकी रिपोर्ट में, उनके व्यक्तित्व में? VCs क्या चीज़ ढूंढते हैं एक हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही सही है। सर ने जैसे सरकारी काफ़ी स्कीम्स बताई, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो सबसे पहले तो बिजनेस आइडिया ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अपॉर्चुनिटी बेस्ड है कि नेसेसिटी बेस्ड है आपका जो बिजनेस आइडिया है। और उन लोगों में जो एक ग्रुप होता है, नॉर्मली एक कॉर्पस फंड होता है, और वो पैसा इन्वेस्ट इन्हीं जो नए स्टार्टअप्स में, नए बिजनेस आइडियाज में ही करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग में वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो सबसे पहले तो वो जो आपका बिजनेस आइडिया होता है उसको वो सुनते हैं, समझते हैं, उनके जो साथ जो लोग होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, वो उसको रिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आपका जो बिजनेस आइडिया है उसको हम उसकी डिमांड एनालिसिस कैसे करेंगे, और वही आपको ग्रो करते हैं, वही आपको मदद करते हैं आपके बिजनेस आइडिया को रिफाइन करने में। और अल्टीमेटली अगर वो बिजनेस आइडिया उन्हें लगता है कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेस, वो उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के भी इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि वो यहाँ आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। जी, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते सर, मेरा नाम रजत कुमार सुरेला है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, क्या वो किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसी स्कॉलरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं? नहीं, फंडिंग की बात पूछना चाहते हैं या ट्रेनिंग के लिए पूछना चाहते हैं? सर, जो ट्रेनिंग के बाद जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है सर, कुछ फंड्स आफ्टर द ट्रेनिंग। देखिए, जो आपने कहा ट्रेनिंग के लिए, कोई ये ट्रेनिंग कहलाती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स कहलाती हैं, जो कि जनरली 15 दिन की भी हो सकती हैं, 30 दिन की, और मैक्सिमम 1.5 महीने की, मतलब 45 डेज की होती हैं। तो इन ट्रेनिंग्स के लिए कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये इतनी हैवीली सब्सिडाइज्ड होती हैं कि जिसके अंदर पर पर्सन की कॉस्ट करीब करीब आप मान के चलिए 5,000 से 7,000 रुपये आती है, लेकिन 200 रुपये ही आपसे फीस ली जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, और ये 200 या 500 रुपये ली जाती है, सिक्योरिटी मनी ली जाती है, वो इसलिए कि आप उसको कैजुअली नहीं लाएँ, सिंसियर रहें। और बाय द वे, आप जिस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ नुकसान नहीं कर दें। तो आपको सिर्फ एक कॉशन के तौर पे कॉशन मनी ली जाती है और इसको वापस से रिफंड कर जाते हो। 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इस तरह के स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देती है इन ट्रेनिंग के लिए। तो स्कॉलरशिप तो नहीं है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है करीब करीब जी। एंड इसके अंदर आपको सारा लिटरेचर दिया जाता है, हैंडआउट्स दिए जाते हैं, सारा बैकग्राउंड मटेरियल दिया जाता है, इवन आपको चाय नाश्ता तक दिया जाता है। तो इसलिए उस पर स्कॉलरशिप का तो कोई प्रश्न नहीं। हाँ, इसके बाद जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर सपोर्टेबल है, फंडेबल है, उसके ऊपर आपको लोन दिलवाने के अंदर वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं पूरी। जी, क्या फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली जा सकती है एंटरप्रेन्योरशिप की, या फॉर्मल कोर्सेज हो इसके बारे में? एंटरप्रेन्योरशिप में पुनीत जी यही कहूंगी कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। मैं किसी को पकड़ के एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकती। उसमें मैं फिर से वही अपना शब्द यूज करूंगी, जज्बा होना चाहिए कि मुझे अपना कुछ व्यवसाय करना है, अपना कुछ उद्यम डालना है। हम उसको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं,
मैं उसको गाइड कर सकती हूँ अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ईडी सेल्स होते हैं, ईडी सेल्स हैं, उसमें इंटरेक्शन करवाते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से, वेंचर कैपिटल से, एंजल इन्वेस्टर से, उनका इंटरेक्शन करवाते हैं। उसके अलावा जैसे हर 15 दिन में एक स्टार्टअप सैटरडे होता है, हर शनिवार को, हर दूसरे शनिवार को आपके जैसे ही छात्र एक साथ मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में। और बहुत बार ये होता है, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही संस्था के छात्र ही मिलके कोई नया स्टार्टअप करें, अलग अलग संस्थान के छात्र भी, उन्हें लगता है कि हाँ इसका बिजनेस आइडिया मेरे से मेल खाता है, मैं प्रोडक्शन में अच्छा हूँ, ये मार्केटिंग में अच्छा है, कोई तीसरा छात्र फाइनेंस में अच्छा है, तो हम मिल के व्यवसाय करते हैं। तो इस तरीके की भी ट्रेनिंग्स उनको मिलवाना है, उनको ट्रेन करना है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, ये सब ट्रेनिंग्स ज़रूरी हैं जी। और कोई सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, जैसा कि आपने बताया कि जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो सपोज़ कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि कोई बड़े बिजनेस को शुरू करता है और वो गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प लेता है, वो उस फाइनेंशियल हेल्प को उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो सफल हो या ना हो। इन केस वो सफल नहीं होता है तो उस केस में गवर्नमेंट उसके साथ कैसे ट्रीट करेगी, या फिर जो उसने इन्वेस्ट किया है उसे रिकवर कैसे करेगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि गवर्नमेंट रिकवर देखिए कर रही। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की थी उसको बहुत अच्छी तरह से इवेल्युएट किया गया था, तभी आपको फाइनेंस दिया गया था। देखिए, कोई भी इवेंचुअलिटी किसी भी कारण, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण अगर वो बंद पड़ गई है, तो उसमें जो लैंड और बिल्डिंग जो आपने लोन से ली थी उसकी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो चुका होता है जब तक आप यूनिट बंद करते हैं, कि गवर्नमेंट उसको सेल ऑफ करके उसको रिकवर कर लेती है। यानी कि ड्रीम आपका अभी भी कुमला है, वो नहीं है, लड़खड़ाए हैं, लेकिन आप फिर से कुछ नया करने के लिए फिर भी सक्षम होते हैं, क्योंकि सफल होने के लिए पहले असफल होना भी कभी कभी सीढ़ी बन जाती है, तो इसलिए ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। चलते चलते दो खास बातें जो किसी भी स्टूडेंट को सोचनी चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपने मन को टटोलने के लिए, वो क्या ज़रूरी है? भाई, सबसे बड़ी नीड फॉर अचीवमेंट होना चाहिए कि मैं इसको कोई कुछ ऐसा नया काम करूं, कुछ इनोवेटिव करूं, कुछ तो भी नया इंट्रोड्यूस करूं जो अब तक किसी ने ट्राई नहीं किया, जैसे समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स उसको पाने की कोशिश करूं, और उसके लिए मैं रिस्क उठाऊं, जोखिम उठाऊं, कैलकुलेटेड रिस्क लूं, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी उद्यमी को। उस जी मोनिका जी, आपसे मेरा तो ये कहना है कि आज अगर मैं ये सोच के कोई व्यवसाय शुरू करती हूँ, उद्यम शुरू करती हूँ, चलिए देख लेते हैं 2 साल, अगर नहीं चला तो नौकरी कर लेंगे, अगर आप इस तरह के सोच लेके अगर आप कोई स्टार्टअप करते हैं तो ये आप मान लीजिए कि आपने शुरुआत में ही हार मान ली। जी, तो दोस्तों, अगर आपने ये तय कर रखा है कि जो रास्ते पहले से बने हुए हैं मैं उन पर नहीं चलूंगा, मेरा रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए है। अगर आप में अक्षय ऊर्जा है, जज्बा है आगे बढ़ने का, कुछ नया कुछ कर गुजरने का, तो फिर आप इस मामले में कूद पड़िए, पूरा मनोयोग बना करके कूद पड़िए। सरकार, बैंक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको फॉर्मल ट्रेनिंग देंगी, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने में सहायता देगी, पैसे देने में लेने में आपको मदद करेगी, मार्केटिंग में आपकी हेल्प करेगी, और भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये सोच लें कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है वो खुद का तो भला स्वतः ही कर लेता है और बहुत सारे लोगों का भी भला कर देता है। आने वाला युग एंटरप्रेन्योर्स का है, जॉब का नहीं है। अपने उस बॉक्स से बाहर निकलिए, नए रास्ते ढूंढिए, नई किताबें पढ़िए। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, पहले क्या उनकी अवस्था थी, आज हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, आज क्यों हो गया, उस रास्ते को टटोलिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जो एक बार ठान लिया उसे कर गुजरेंगे। उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।